अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम कैसर है और मैं टेक्निकल में किताबों से हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास नंबर 4। इसमें हम एब्रिवेशन टैग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले क्लास में मैंने एंकर टैग के बारे में बात की थी और उसके एट्रीब्यूट के बारे में बात की। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एब्रिवेशन टैग के बारे में। तो एक्चुअली एब्रिवेशन टैग हम फुल फॉर्म बताने के काम में आता है। मसलन अगर आपने कहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जब हम सर्च इंजन पर शॉर्ट फॉर्म से किसी को भी सर्च करते हैं तो फुल नेम के थ्रू सर्च करता है और आपके सर्च इंजन पर पूरा नाम सर्च करके आपको बता देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी शॉर्ट फॉर्म की, अगर हम सर्च करें HTML को तो सर्च इंजन में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को सर्च करेगा, और हम सर्च करें UK को तो वो यूनाइटेड किंगडम को सर्च करेगा सर्च इंजन। तो इसी तरह मैं सेंटेंस लिखता हूँ तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एब्रिवेशन टैग कैसे काम कर रहा है। तो चलो लिखते हैं, मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पर, दिस इज माई फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल। पैराग्राफ को क्लोज किया, इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ लिया, लेकिन न्यू लाइन के लिए मैं BR का टैग यूज करता हूँ। एक दूसरा पैराग्राफ लिया और यहाँ पर लिखा आई एम गॉट टू PK, इसको भी क्लोज किया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से रन किया। यहाँ पर क्या आया, ये आया दिस इज माई फर्स्ट HTML ट्यूटोरियल एंड आई एम गो टू PK। अब यहाँ पर मैं यूज करता हूँ एबर इज इक्वल टू टाइटल इज इक्वल टू यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये लिखा और यहाँ से उसको क्लोज भी किया। यहाँ से दोस्तों क्लोज एम्पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से रन किया तो यहाँ पर देखें मैं जब HTML पर माउस ले आया तो यहाँ पर क्या आया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ गया। इस तरह मैं PK के साथ भी करूंगा एबल टाइटल पाकिस्तान। और यहां से क्लोज भी किया। सेव किया और जब रन किया यहाँ से तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान आया, और यहाँ पर जब माउस ले आया तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आई हो और कहाँ पर भी मेरे ट्यूटोरियल में कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसे दुरुस्त कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।